हेलो प्यारे बच्चों क्या हाल चल हैं आप सभी के डियर स्टूडेंट्स नवदीप सर की फ़िज़िक्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों तो जो अपने चल रहा था फ़िजिक्स का चैप्टर नंबर फाइव इलेक्ट्रिक करंट पार्ट नंबर एट अपने इसका करने जा रहे हैं आज और जो अपने दो टॉपिक हैं आज के वो है रजिस्टिविटी और दूसरा है कंडक्टिविटी रजिस्टिविटी टॉपिक आपकी बुक में दिया हुआ है और कंडक्टिविटी भी उसी के अंदर दिया हुआ है कोई अलग से नाम नहीं लिखा हुआ लेकिन कंडक्टिविटी को मैंने यहाँ पे अलग नाम दे दिया है एक डिफरेंट नाम से इसको टॉपिक को बना दिया हाँ उसी के रजिस्टिविटी के अंदर ही दिया हुआ है बुक में अगर आप पढ़ोगे कंडक्टिविटी टॉपिक हैडिंग आपको नहीं मिलेगी ओनली रजिस्टिविटी मिलेगी ठीक है ना तो इसको आप देख लेना मैंने थोड़ा सा इसको क्या कर दिया अलग कर दिया तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो एक नई एनर्जी के साथ तो देखिए पहले बच्चों इसमें क्या है कि पहले यार रजिस्टिविटी भाई रजिस्टिविटी क्या चीज़ होती है तो करते हैं स्टार्ट कि आफ्टर परफॉर्मिंग सो मैनी एक्सपेरिमेंट्स इट वॉज़ फाउंड दैट द रजिस्टेंस ऑफ एन आइसोट्रोपिक एंड होमोजीनियस कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया ए क्या है आपको पता है कि रजिस्टेंस को किसने फाइंड किया था ओम ने ओम ने अपना एक लॉ दिया था उसके अंदर उसने रजिस्टेंस को डिफाइन किया रजिस्टेंस से रजिस्टिविटी की डेफिनेशन आई तो ओम ने क्या किया अपने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए उन एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर उसने क्या किया और उसने एक्सपेरिमेंट किस पर किए आइसोट्रॉपिक और होमोजेनियस कंडक्टर आइसोट्रॉपिक और होमोजेनियस का मतलब कि वो बिल्कुल एक जैसा कंडक्टर था कहीं उसमें क्या था एक तो उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो लगभग क्या रहता है कॉन्स्टेंट कभी भी क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज नहीं होता इस कंडक्टर का ठीक है होमोजेनियस का मतलब ये है कि ये सिर्फ़ एक ही मटेरियल से बना हुआ है ऐसे नहीं भी आपने दो तीन मेटल्स को मिला के और इस कंडक्टर को बना दिया अगर ये कॉपर है तो प्योर कॉपर होगा अगर ये प्योर आयरन है तो प्योर आयरन होगा ठीक है तो होमोजीनस मतलब कोई भी एक ही मीडियम से या एक ही सब्सटेंस से बना हुआ जो कंडक्टर है समझ आई इतनी बात तो उसने जब उस पर एक्सपेरिमेंट किए तो उसने क्या पाया अपने एक्सपेरिमेंट में कि जो उसका क्या है कंडक्टर का रजिस्टेंस है रजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर ठीक है वो क्या होता है कि कंडक्टर की लेंथ के तो क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ के क्या लिखा उसने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और दूसरा क्रॉस सेक्शन एरिया यानी जो उसका ए क्रॉस सेक्शन एरिया है उसके क्या होता है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ओम ने अपने एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर ये जो लॉ है ये फाइंड किए थे ठीक है ना ये यानी उसने रिजल्ट ये दिए थे अपने लॉ के बेसिस पर सॉरी लॉ के बेसिस पर नहीं नहीं उसने अपने एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर ये वाला लॉ दिया था ठीक है आप में से कई स्टूडेंट सोचेंगे सर ऐसा क्यों होता है तो ये उसने एक्सपेरिमेंटली चीज फाइंड की थी ये वाली तो आर इज़ प्रोपोर्शनल टू एलअप अपॉन ए ठीक है तो जब अपने को पता है कि जब अपने फिजिक्स में प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो क्या लगता है इक्वल और इक्वल जब लगाते हैं तो क्या लगता है दूसरी साइड राइट हैंड साइड में एक कांस्टेंट आ जाता है और वो कांस्टेंट यहाँ पे यूज किया गया रो ये क्या है रो कांस्टेंट यहाँ पे यूज किया गया और रो को क्या बोल देते हैं रो इज़ द प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट एंड इट इज कॉल्ड रजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर इसको क्या कहा गया रजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर कहा गया भी ये क्या है कंडक्टर की रजिस्टिविटी है अब रजिस्टिविटी क्यों कहा गया वो भी अपने पढ़ेंगे तो अब रजिस्टिविटी वैसे आप पढ़ चुके हो जो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है या इसका फॉर्मूला है वो आपने जो पीछे टॉपिक किया है उसमें ये वाला फॉर्मूला आपने पढ़ा था कि जब आपने रजिस्टेंस के बारे में डिफाइन किया था ओम्स लॉ की जब आपने क्या की थी जो माइक्रोस्कोपिक uh, ठीक है माइक्रोस्कोपिक फॉर्म इसकी की थी तो तब वहां आपने रो को पढ़ा था और रो की वैल्यू आपने ये वाली लिखी थी एक कंडक्टिविटी सिग्मा थी और एक रो थी जिसने प्रीवियस वीडियो देख रखी है उसको पता होगा कि ये दो क्वांटिटीज क्या है ठीक है तो रो इज इक्वल टू एम अपॉन एन ई स्क्वेयर टो इसके इक्वल होता ही रो तो अब रो क्या है कि आपको पता है कि जो एन और टो है एन क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम और टो यहाँ पे क्या है रिलैक्सेशन टाइम ये दोनों क्या होती हैं करैक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब्सटेंस इसको क्या बोल देते हैं अपने सब्सटेंस की करैक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज बोल देते हैं अब करैक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ क्यों क्योंकि ये सब्सटेंस पर डिपेंड करती हैं प्रॉपर्टीज अगर आपने सब्सटेंस चेंज कर दिया तो ये वाली प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी मतलब एक एक जो फिक्स सब्सटेंस है उसके लिए तो इनकी वैल्यू क्या होगी सेम रहेगी लेकिन डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंस के लिए क्या हो जाएगी इनकी वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट हो जाएगी बच्चों ठीक है तो यानी कि आप ऐसे बोल सकते हो कि नेचर ऑफ सब्सटेंस पर या नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करती है ये वाली जो प्रॉपर्टीज है तो जब इसके फॉर्मूले में ये आ रही हैं अब एम और ये e तो किसी चीज पर डिपेंड करते नहीं ये तो परमानेंट ही कॉन्स्टेंट है तो जो रो है यहाँ पे वो इन दोनों पर डिपेंड करता है एन और टो तो पे और ये आगे किस पे डिपेंड करती हैं नेचर ऑफ सब्सटेंस पे सो वैल्यू ऑफ रो डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सब्सटेंस एंड टेम्परेचर यानी रो की जो वैल्यू है वो नेचर ऑफ सब्स्टांस और किस पर एक टेम्परेचर पर डिपेंड करती है अब आप में से सोचें कई बच्चे कि सर टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करती है तो उनको मैं बताना चाहूँगा कि इससे आगे जो टॉपिक आएगा इससे एक या दो टॉपिक छोड़ के वो टेम्परेचर पर डिपेंडेंस आएगी रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी की और कंडक्टिविटी की तो उसमें अपने डिटेल से पढ़ेंगे कि टेम्परेचर पर डिपेंड कैसे करता है आप एक बार इतना ही पढ़ो आज कि टेम्परेचर पर डिपेंड करता है ठीक है जैसे रजिस्टिविटी मैंने आपको पहले कहा था रजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी दो टॉपिक हैं जो ये आपके डिटेल से आएंगे तो आज मैं डिटेल में करवा रहा हूँ उनके तो वही चीज़ है कि सब ने आपको ये बहुत ही यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंपटीशन एग्जाम के लिए काफ़ी बार पूछा जाता है कि जो रो है वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है तो इन दो चीज़ों पर ये रो क्या करता है डिपेंड करता है समझ आई इतनी बात अब रजिस्टिविटी इज द अब ये वाली लाइन भी बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है समझना है आपको भी इस लाइन में लिखा क्या हुआ है कि रजिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ होल मटेरियल बट रजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए जो प्रॉपर्टी है वो पूरे होल मटीरियल की है मतलब रजिस्टिविटी की वैल्यू मटीरियल पर डिपेंड करेगी मटीरियल चेंज रजिस्टिविटी चेंज लेकिन जो क्या है कि जो रजिस्टेंस है जो रजिस्टेंस है वो ये क्या कह रहा है कि प्रॉपर्टी किसकी है सैंपल ऑफ मटेरियल है मतलब क्या है सैंपल ऑफ मटेरियल पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है अब कैसे आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ यहाँ पे खाली जगह नहीं है चलो यहाँ खाली जगह में बता देता हूँ भाई इसका मतलब क्या है इस लाइन का ये कह रहा है कि अगर मान लो आपके पास दो वायर्स हैं ठीक है पहली जो वायर है वो कॉपर की है दूसरी वायर है वो आपके पास ये वाली ये आयरन की है ठीक है अब इन वायर की अगर आपको रजिस्टिविटी कहें तो दोनों वायर की रजिस्टिविटी डिफरेंट डिफरेंट होगी ठीक है और दूसरी चीज़ अगर मैं आपको ये कहूं कि अगर एक वायर आपके पास कॉपर की है और दूसरी भी कॉपर की है दोनों ही वायर कॉपर की हैं आपके पास इस वायर की लेंथ है वन मीटर और इसकी लेंथ है टू मीटर सॉरी ऊपर वाले की मैं टू मीटर लिख देता हूं क्योंकि बड़ी बनाई है ऊपर वाले की टू मीटर और नीचे वाले की वन मीटर लेंथ है ठीक है तो अब अगर मैं कहूं कि आपको इनकी रजिस्टिविटी और रजिस्टेंस क्या होगी तो आप रजिस्टिविटी के बारे में क्या होगा कि आपको पता है दोनों ही वायर किसकी हैं कॉपर की हैं तो रजिस्टिविटी ओनली वायर की वायर uh, की नेचर पर डिपेंड करेगी कि दोनों वायर कौन सी हैं तो दोनों के लिए जो रजिस्टिविटी की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी बच्चों सेम हो जाएगी क्योंकि मटीरियल सेम है दोनों का लेकिन अगर मैं कहूँ रजिस्टेंस की वैल्यू तो रजिस्टेंस की वैल्यू क्या है दोनों के लिए डिफरेंट होगी दोनों के लिए क्या होगी रेजिस्टेंस की वैल्यू डिफरेंट होगी क्योंकि ये क्या है कॉपर के दो क्या है सैंपल्स हैं मतलब कि आपने वायर किस प्रकार की ली है कितनी लेंथ कितने एरिया की वायर ली है रेजिस्टेंस तो डिपेंड करता है उस चीज पर लेकिन रेजिस्टिविटी ओनली जो वायर की क्या है नेचर पर डिपेंड करती है कि आपने कौन से मेटल की वायर ली हुई है अगर दोनों कॉपर की हैं एक 10 मीटर लंबी है एक 50 मीटर लंबी है, आपको कहें कि इसकी रजिस्टिविटी ज़्यादा होगी आप कहोगे सेम रहेगी अगर आपको कह दें कि एक वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया वन मीटर स्क्वेयर है दूसरी का टू मीटर यानी एक पतली है एक मोटी वायर है लेकिन दोनों ही कॉपर की हैं तो तब भी आप क्या कहोगे रजिस्टिविटी सेम रहेगी हाँ रजिस्टेंस डिफरेंट डिफरेंट होगा दोनों का क्योंकि सैंपल पर क्या करता है डिपेंड करता है अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर रजिस्टिविटी क्यों नहीं डिपेंड करती वायर की लेंथ और एरिया पर जबकि रजिस्टेंस करता है तो वो भी अपने डिटेल में अभी पढ़ेंगे मैं आपको एक एग्जाम्पल दे समझाऊंगा वो वाली चीज़ तो इस लाइन का मैंने मतलब समझाया है भी होल मटेरियल पर डिपेंड करती है कि आपने मटेरियल कौन सा ले रखा है और दूसरा रेजिस्टेंस सैंपल पर भी आपने कितना पार्ट उसमें से ले रखा है ठीक है ना उस पर क्या करती है ये चीज़ डिपेंड करती है बच्चों समझ आई इतनी बात अब नेक्स्ट देखो क्या है नेक्स्ट दो लाइनें लिखी हुई हैं मैंने ये भी समझने वाली हैं ऊपर वाली लाइन पर ही डिपेंड है ये वाली दो लाइनें कि द रेजिस्टेंस ऑफ टू सैंपल्स ऑफ सेम मटेरियल कैन बी डिफरेंट बट रेजिस्टिविटी रिमेंस सेम यानी कि अगर आपने दो सैंपल ले रखे हैं किसके सेम मटेरियल के सेम मटेरियल के दो सैंपल और दोनों डिफरेंट डिफरेंट है वही अभी जो मैंने बताया एक वायर वन मीटर की ले लिया आपने और एक कितनी ले ली टू मीटर की ले ली लेकिन मटेरियल कह दिया इसने कॉपर है इसका भी क्या है कॉपर है तो उसके लिए जो रेजिस्टिविटी है वो तो क्या रहेगी सेम इसकी भी रो होगी इसकी भी रो होगी और रजिस्टेंस डिफरेंट डिफरेंट अब आपको पता है रेजिस्टेंस क्या होता है लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है तो अगर इसका रेजिस्टेंस मैं आर मान लेता हूं तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो टू आर हो जाएगा क्योंकि जो इसकी लेंथ है वो भी क्या हो रही है डबल हो रही है बच्चों ठीक है ना समझ आई इतनी बात आपको ये रो और आर में फर्क क्या है बोर्ड में यहाँ से दो तीन बार क्वेश्चन आ चुका है आपको जब प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन कराऊंगा ना वहां पर आपको बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है और दूसरा जो पॉइंट है इसमें दूसरा क्या दे रखा है कि टू वायर्स ऑफ सेम रेजिस्टेंस बट डिफरेंट मटेरियल हैव डिफरेंट रेजिस्टिविटी भई आपको कह दिया भी दो वायर्स आपके पास ठीक है ये दो वायर्स अगर लेंथ वगैरह कुछ भी हो एक कॉपर की है दूसरी आयरन की है एक का कह दिया भी इसका भी फाइव ओम रजिस्टेंस है और इसका भी क्या है फाइव ओम रेजिस्टेंस है तो अब रेजिस्टिविटी बताओ भी दोनों की क्या होगी तो दोनों की रेजिस्टिविटी सेम होगी क्या तो बहुत सारे बच्चे तो यहाँ कन्फ्यूज हो जाते हैं कि रजिस्टेंस सेम है तो रजिस्टिविटी सेम लेकिन रजिस्टिविटी मटीरियल पर डिपेंड करेगी दोनों की रजिस्टिविटी डिफरेंट डिफरेंट होगी चाहे रजिस्टेंस सेम हो लेकिन रजिस्टिविटी क्या होगी डिफरेंट होगी समझ आई इतनी बात ये दो लाइन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है आप लिख लेना इसको या याद कर लेना अच्छे तरीके से अब नेक्स्ट जो बात कही गई है आपको वो बात क्या की है कि रजिस्टिविटी आर ऑल्सो कॉल्ड स्पेसिफिक रजिस्टेंस ऑफ मटीरियल रजिस्टिविटी का दूसरा जो नाम है वो स्पेसिफिक रजिस्टेंस है रजिस्टिविटी को दूसरे नाम से क्या बुलाते हैं स्पेसिफिक रजिस्टेंस के नाम से ठीक है तो कभी भी आपको स्पेसिफिक रजिस्टेंस लिखा हुआ मिले तो उसका मतलब रजिस्टिविटी ही होता है बहुत सारी जगह पर आपको ये लिखा हुआ मिल जाएगा स्पेसिफिक रजिस्टेंस तो वहाँ बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि सर ये कहाँ से आ गया वर्ड हमने तो पढ़ा ही नहीं है तो उनको बता देता हूँ कि स्पेसिफिक रजिस्टेंस और रजिस्टिविटी एक ही बात है बिल्कुल ठीक है अब नेक्स्ट देखो बच्चों क्या है इसकी डेफिनेशन यानी रजिस्टिविटी की डेफिनेशन क्या है तो डेफिनेशन तो स्टार्टिंग में पढ़ने चाहिए थी लेकिन क्या है कि अपने फॉर्मूला पढ़ रखा था इसका तभी डेफिनेशन आपको अब करवा रहा हूँ मैं तो अब डेफिनेशन के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा फॉर्मूले से डेफिनेशन बनानी पड़ेगी तो आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए होता है तो रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल हो जाएगा तो अब ए की वैल्यू आप क्या मान लो वन मीटर स्क्वेयर और एल की वैल्यू वन मीटर मैंने आपको ये चीज़ बताई हुई है कि जब भी आपको फॉर्मूले से डेफिनेशन बनानी हो तो यूनिट मान लेते हैं कुछ क्वांटिटीज एक क्वांटिटी छोड़ते हैं बस ठीक है तो वो क्वांटिटी अपने रजिस्टेंस छोड़ देते हैं बाकी दोनों को यूनिट यानी एरिया जो क्रॉस सेक्शन का एरिया है वो वन मीटर स्क्वेर है और लेंथ क्या है वन मीटर है देन रो इज़ इक्वल टू आर रो क्या आ जाएगी आर के इक्वल अब डेफिनेशन पढ़ने से पहले आप बना लो डेफिनेशन क्या होगी इसकी खुद बना सकते हो आप क्या होगी बताओ होगी इसकी कि अगर अपने कोई वायर ले लें या कंडक्टर ले लें जिसका क्या हो यूनिट एरिया और यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया और यूनिट लेंथ हो उसकी तो उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा उसकी रेजिस्टिविटी के इक्वल हो जाएगा समझ आई इतनी बात यूनिट मान लिए दोनों को तो वही चीज़ यहाँ पे है क्या दिया हुआ है कि द रजिस्टेंस ऑफ ए सैम्पल ऑफ कंडक्टर हैविंग यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया इज नमेरिकली इक्वल टू द रजिस्टिविटी ऑफ सब्सटेंस नुमेरिकली मतलब जो उसकी नोमेरिकल वैल्यू होगी वो क्या होगी रजिस्टेंस की नुमेरिकल वैल्यू के सेम हो जाएगी मतलब आप अगर फाइव ओम कह रहे हो तो वो क्या हो जाएगी रजिस्टिविटी फाइव हो जाएगी बस यहाँ पर यूनिट चेंज हो जाएगी तभी नोमेरिकल वैल्यू सेम लिखी है मैंने ठीक है यानी कि दोबारा सोच दोबारा समझ लो इसको क्या है रजिस्टिविटी है वो कोई भी आप कंडक्टर लेते हो या सैंपल लेते हो या वायर लेते हो या मटेरियल लेते हो उसकी यूनिट लेंथ और यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया का रजिस्टेंस है मतलब यहाँ पे कंडीशन लग गई है एक भी रजिस्टिविटी जब भी निकालेंगे तो यहाँ पे आपके पास क्या होना चाहिए उसकी लेंथ भी यूनिट होनी चाहिए उसका क्रॉस सेक्शन एरिया भी यूनिट होना चाहिए फिर ही आप उसकी रजिस्टिविटी डिफाइन करोगे तो इस कारण रजिस्टिविटी कभी चेंज नहीं होती क्योंकि रजिस्टिविटी एट एक फिक्स लेंथ यानी यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया से ही डिफाइन होती है अगर आप एरिया और जो लेंथ है वो चेंज कर देते हो उससे रजिस्टिविटी डिफाइन नहीं कर सकते रजिस्टिविटी के लिए आप कह सकते हो नेसेसरी कंडीशंस हैं ठीक है ना और मैं अभी आपको बताऊंगा अभी ये वाला रजिस्टिविटी कंडक्टिविटी करवाने से पहले ये वाला अपने यूनिट डायमेंशन कर लें फिर आपको मैं बताता हूं कि जो रजिस्टिविटी है वो क्या है कि जब अपने लेंथ चेंज कर दें या एरिया चेंज कर दें तो रजिस्टेंस तो चेंज होगा लेकिन रजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी हालांकि जो रजिस्ट रजिस्टिविटी का फॉर्मूला है उसमें एरिया भी आ रहा है और लेंथ भी आ रही है ठीक है एरिया भी आ रहा है लेंथ भी आ रही है लेकिन दोनों को चेंज करने से रजिस्टिविटी पर चेंज नहीं होगा कुछ भी आप चाहे कुछ भी चेंज कर दो रजिस्टिविटी सेम रहेगी तभी मैंने कहा था कॉपर की एक मीटर लंबी वायर ले लो दो ले लो रजिस्टिविटी सेम रहेगी अब आपको होगा कि सर जब लेंथ चेंज हो रही है तो आप किस प्रकार कह सकते हो कि रजिस्टिविटी सेम रहेगी क्योंकि लेंथ तो फार्मूले में आ रहा है ना ये देखो फार्मूले में लेंथ आ रही है लेकिन रजिस्टिविटी क्या हो रही है उतनी ही रह रही है लेंथ चेंज करेंगे रजिस्टिविटी फिर भी उतनी रहेगी अब कैसे रहेगी वो देखो पहले यूनिट डायमेंशन कर लो इसकी फिर अपने करते हैं ठीक है तो यूनिट डायमेंशन में क्या है रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल से रो इज इक्वल टू आर की जो यूनिट होती है वो होती है ओम ए की क्या होती है मीटर स्क्वेयर और अपॉन में मीटर तो मीटर से मीटर स्क्वेयर कैंसिल तो ओम इंटू मीटर इसकी यूनिट आ जाएगी इसको इस सिंबोलिक फॉर्म में अपनी ये वाला लिखेंगे सिम्बल्स की फॉर्म में ओम इंटू मीटर और डायमेंशन निकालेंगे तो ओम की डायमेंशन आप क्या है पहले आपने निकाल रखी है रेजिस्टेंस की अगर फिर भी नहीं आती तो आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई फॉर्मूला आता है इसमें अपने को वी की फिर से भी नहीं पता तो वी को अपने W अपॉन क्यू लिखा था और इन टू में क्या लिखा था आई तो इस प्रकार डायमेंशन आप आर की फाइंड कर सकते हो आर इज इक्वल टू अपॉन क्यू इन टू आई ठीक है तो इससे आप फाइंड कर सकते हो फिर उसकी आप यहाँ पे रखो और इन मीटर तो एम वन एल थ्री टी माइनस थ्री ए माइनस टू इसकी क्या आ जाएगी डायमेंशन आ जाएगी बच्चों ठीक है अब बात आती है वही जो अपने सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि लेंथ या एरिया चेंज करने पर रेजिस्टिविटी चेंज क्यों नहीं होती है उसका रीज़न क्या है तो आपको अभी समझाता हूँ मैं तो देखो बच्चों यहाँ पे क्या है मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है तो इसमें क्या है दोनों ही कॉपर की वायर है कॉपर की वायर है एक वायर की लेंथ अपने एल ली हो या दूसरे की टू एल तो जब दोनों की लेंथ डिफरेंट डिफरेंट ली है तो अपने को पता है रजिस्टेंस डिफरेंट डिफरेंट होंगे दोनों के और दोनों की रजिस्टिविटी अपने जो थ्योरी पढ़ी है उसके हिसाब से क्या होगी सेम होगी ठीक है तो वो सेम कैसे होगी वो आप देखो यहाँ पे कि आप अगर मैं पहली वायर के लिए लिखूँ ये वाला फॉर्मूला तो आर की वैल्यू पहली वायर के लिए क्या हो जाएगी रो एल अपॉन ए हो जाएगी एल लेंथ है ए क्रॉस सेक्शन एरिया एक चीज़ और मेंशन कर दूं कि इसका भी क्रॉस सेक्शन एरिया ए ही लिया हुआ है और इसका भी ए ही लिया हुआ आप डिफरेंट भी ले सकते हो मैंने सिंपल करने के लिए थोड़ा तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ अब इसकी रेजिस्टिविटी की तो आर इसका रजिस्टेंस हो जाएगा ए अपॉन में एल इसकी क्या आ जाएगी रजिस्टिविटी आ जाएगी अब दूसरी वायर है वो टू एल लेंथ की है लेकिन मटीरियल सेम ही है तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा आर डैश इज इक्वल टू रो इन टू एल और अपॉन में ए क्योंकि इसकी लेंथ टू एल है यहाँ पे एल थी तो एल लिखा आपने टू एल है तो टू एल लिख दिया तो अब आपको पता है कि रो एल अपॉन ए ये आप जो ये वाली इक्वेशन है यहाँ से अगर मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट दूँ तो इससे क्या है आर के इक्वल है तो आर डैश इज इक्वल टू टू आर यानी लेंथ डबल डबल करने से रजिस्टेंस क्या हो गया डबल हो गया तो अब अगर मैं रजिस्टिविटी रो डैश मान लेता हूँ भी कुछ अलग मान लेता हूँ भी इसकी रजिस्टिविटी रो डैश है तो वो रो डैश किसकी इक्वल होनी चाहिए जो इसका रजिस्टेंस है आर डैश अपन टू में ए और अपॉन में टू एल्व दूसरी वायर के लिए फॉर्मूला लिखा कि उसका रेजिस्टेंस जब आर डैश है और रेजिस्टिविटी अपने रो डैश मान ली तो रो डैश इज इक्वल टू क्या होना चाहिए आर डैश है ए अपॉइंट टू एल्व और आपको पता है आर डैश ऊपर आपने क्या लिखा हुआ टू आर तो यहाँ जब टू से क्या हो जाएगा टू कैंसिल तो आपका क्या आ जाएगा जो रेजिस्टेंस सॉरी रेजिस्टिविटी है वो आर ए अपॉन एल यानी आप कह सकते हो कि जो रो डैश है वो आपका रो के इक्वल ही आ रहा है रो डैश क्या आ रहा है रो के इक्वल आ रहा है तो इस कारण क्या हो जाएगा बच्चों जो आपका रेजिस्टिविटी है वो क्या हो जाएगी सेम uh, रहेगी लेकिन रेजिस्टेंस क्या होगा चेंज होगा अब देखो आप यहाँ पे हो क्या रहा है एक्चुअल में कि जब अपने रेजिस्टिविटी सेम क्यों रह रही है वो कारण देखो कि जब अपने क्या कर देते हैं लेंथ जब अपने क्या कर देती हैं लेंथ को डबल कर देती हैं तो रेजिस्टेंस भी डबल हो जाता है तो मतलब कि यहाँ पे जब इस क्वांटिटी को इंक्रीज़ करोगे तो ये क्वांटिटी भी इंक्रीज हो जाएगी और अगर इसको इंक्रीज़ करोगे तो ये क्या हो जाएगी डिक्रीज़ हो जाएगी उतने टाइम्स अगर मान लो आपको मैं कह दूं कि अपने क्या कर देते हैं जो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है इसको डबल कर देते हैं तो आपको पता है कि जो रजिस्टेंस होता है रेजिस्टेंस क्या होता है क्रॉस सेक्शन एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो जब इसको डबल कर रहे हो तो ये क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा मतलब यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है ऑटोमेटिक से हाफ हो जाएगा आर बाई टू हो जाएगा तो दोनों का मल्टीप्लाई फिर से क्या आ जाएगा आर इन टू ए और वन में क्या आ जाएगा एल तो चाहे आप रेजिस्टेंस क्या करो सॉरी इसका क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज करो ए चेंज करो चाहे एल चेंज करो तो रेजिस्टिविटी के फॉर्मूले में जो आर है वो भी ए और एल के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है जबकि रेजिस्टेंस के फॉर्मूले में क्या है एल है ही तो वो तो चेंज करने से चेंज हो ही जाता है लेकिन उसी रेशो में जिस रेशो में ए और एल चेंज होंगे उसी रेशो में ये भी चेंज हो जाएगा तो दोनों का रेशो अगर दो अगर टू टाइम्स इंक्रीज़ हो रहा है तो ये टू टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा दोनों का रेशो फिर से क्या आ जाएगा वन रेशो वन के इक्वल आ जाएगा तो सीधी सी बात यह है यहां पे अपने ये रिजल्ट निकालते हैं कि जो रजिस्टिविटी के फॉर्मूले में तीनों जो क्वांटिटीज हैं उसमें से रजिस्टेंस बाकी दो क्वांटिटीज पर डिपेंड करता है तो बाकी दो क्वांटिटीज को चेंज करने पर रजिस्टेंस की वैल्यू उसी रेशियो में चेंज हो जाती है तो इसी कारण रजिस्टिविटी क्या रहती है बच्चों सेम रहती है ठीक है ये इसका रीजन था अब अपने वापिस अपने टॉपिक पर चलते हैं टॉपिक देखो बच्चों आपके पास जो आता है वो आता है कंडक्टिविटी ठीक है कंडक्टिविटी टॉपिक है तो कंडक्टिविटी वैसे आपने पढ़ रखा है लेकिन चलो दोबारा पढ़ लेते हैं अपने कि द इनवर्स ऑफ रजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल इज कॉल्ड कंडक्टिविटी यानी कि जब अपने रजिस्टिविटी का क्या कर लें इनवर्स ले लें ले, तो क्या हो जाएगा वो कंडक्टिविटी इक्वल आ जाएगा तो सिग्मा इज इक्वल टू तो वन अपॉन रो तो आपको पता है कि रो की वैल्यू आपने एम अपॉन एन ई स्क्र टो तो पढ़ी थी तो इसकी हो जाएगी एन ई स्क्वेयर टो तो अपॉन एम या आपने ऊपर जो रो की वैल्यू है वो आर ए अपॉन एल पढ़ी है आर ए अपॉन में एल के इक्वल पड़ी है तो ये वैल्यू एल अपॉन आर ए की इक्वल आ जाएगी समझ आई इतनी बात अब नेक्स्ट क्या है कंडक्टिविटी मेजर्स दैट हाउ गुड ए मटेरियल इज़ कंडक्टर यानी कि कंडक्टिविटी इस चीज़ को मेजर करती है कि जो आपका मटेरियल है वो कितना अच्छा अच्छा कंडक्टर है ठीक है अगर उसकी कंडक्टिविटी हाई है तो वो गुड कंडक्टर है और अगर उसकी कंडक्टिविटी लो है तो वो एक क्या है इंसुलेटर है मतलब कंडक्टिविटी अपने को इस चीज़ के बारे में बताती है कि जो आपका कंडक्टर है वो कितना अच्छा कंडक्टर है समझ आई इतनी बात आपको और रजिस्टिविटी भी अपने को यही चीज़ बताती है अब रजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी में फ़र्क क्या है रजिस्टिविटी अगर मैं इसका हिंदी हिंदी में मीनिंग लूँ तो वो प्रतिरोध होता है प्रतिरोध मतलब रोकना स्टॉप करना किसी चीज़ को तो जो रजिस्टिविटी है वो डिफ़ाइन होती है कि जो आपका मटेरियल है उसमें इलेक्ट्रॉन का जब फ्लो करवाते हैं या इलेक्ट्रिक करंट को फ़्लो करते हैं तो कितना रोकता है वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को वो होता है रजिस्टिविटी तो जिस मटेरियल के लिए रेजिस्टिविटी ज़्यादा है मतलब वो ज़्यादा रोकेगा इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को तो जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रोकते हैं मटीरियल या जिनमें कम होता है इलेक्ट्रॉन का फ़्लो उनको अपने इंसुलेटर तो अगर रजिस्टिविटी की वैल्यू हाई है तो वो इंसुलेटर या आप इसका उल्टा कह सकते हो कि कंडक्टिविटी जिनके लिए लो है वो क्या होता है इंसुलेटर होता है और जिनके लिए रेजिस्टिविटी कम और कंडक्टिविटी ज्यादा होती है वो क्या होते हैं बहुत ही अच्छे कंडक्टर होते हैं तो ये क्या है इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो पर ही डिफाइन होती हैं रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी अब बात आती है इसकी यूनिट की तो यूनिट और डायमेंशन देखो रो इज इक्वल टू वन अपॉन सिग्मा से अब सिग्मा की यूनिट तो आप ऊपर सॉरी सिग्मा इज इक्वल टू वन अपॉन रो से रो की यूनिट आप पढ़ चुके हो ऊपर तो वन अपॉन ओम इंटू मीटर यह आ जाएगा और ओम इनवर्स मीटर इनवर्स क्योंकि ऊपर लेके जाओगे तो इनवर्स लग जाएगा अब जो ओम होता है इसको एक नई यूनिट बना देते हैं इसका इनवर्स जब इसका इनवर्स लेंगे तो जो इसकी स्पेलिंग है इसको उल्टा लिख देते हैं एम एच ओ महो इसको क्या बोल देते हैं महो तो ओम इनवर्स को अपने क्या पढ़ सकते हैं महो तो महो इनटू मीटर या इसका जो सिंबल है वो वो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स और महो का ही एक दूसरा नाम है वो है सीमेंस क्या है सीमेंस है तो ओम इनवर्स महो सीमेंस तीनों एक ही यूनिट है बस नाम अलग अलग है इनके तो ये सारी यूनिट्स सा आपको याद रखनी पड़ेंगी चाहे महो इन इनवर्स है चाहे क्या है ओम इनवर्स मीटर इनवर्स है या सीमेंस इंटू मीटर यूनिवर्स है अब वैसे तो सीमेंस क्या है कि ये जो यूनिट होती है ये क्या होती है कंडक्टेंस की होती है एक क्वांटिटी होती है कंडक्टेंस जिसको अपने वन अपॉन आर से लिख देते हैं वन अपॉन आर यानी रिजिस्टेंस का क्या हो अगर इनवर्स ले लें अपने तो उसको अपने कंडक्टेंस बोलेंगे ठीक है ना ये आपकी बुक में नहीं है वैसे बता रहा हूँ तो इस कंडक्टेंस की सीमेंस होती है तो इस कंडक्टेंस की सीमेंस है तो वो यानी क्या है ओम इनवर्स आ रही है कंडक्टेंस की यूनिट ओम इनवर्स तो ओम इनवर्स को ही अपने सीमेंस कह देती है ठीक है समझ आएगी इतनी बात ज़्यादा उलझने की ज़रूरत नहीं है इसमें अब नेक्स्ट देखो बच्चों क्या है डाइमेंशन इसकी आ गई डायमेंशन में क्या आ जाएगा इसकी डायमेंशन तो आपको पता है आप ये आपने रो की निकाली है तो उसका इन्वर्स मतलब माइनस वालों को प्लस और प्लस वालों को माइनस कर दो और एक लाइन मैंने यहाँ पे लिखी हुई है कि रेजिस्टिविटी ऑफ मेटेलिक कंडक्टर जो मेटेलिक कंडक्टर होते हैं उनकी जो रेजिस्टिविटी है वो टेन की पावर माइनस एट एट ओम इंटू मीटर से टेन की पावर माइनस सिक्स ओम इंटू मीटर तक होती है और जो कंडक्टिविटी है वो इसका है उल्टा हो गई देखो नेगेटिव पावर है तो नेगेटिव में जो जो ज्यादा नेगेटिव है वो छोटा और जो कम नेगेटिव है वो क्या होगा बड़ा तो तभी टेन की पावर माइनस एट टू टेन की पावर माइनस सिक्स इस रेंज में होती है जो मेटेलिक कंडक्टर्स की क्या होती है कंडक्टिविटी होती सॉरी रिजिस्टिविटी uh, और जब कंडक्टिविटी की बात करेंगे वो टेन की पावर सिक्स ओम इनवर्स मीटर इनवर्स से टेन की पावर एट ओम इनवर्स मीटर इनवर्स यहाँ तक आ जाएगी समझ आई इतनी बात आपको तो ये क्या था बच्चों अपने आज के टॉपिक थे जिसमें आपने क्या पढ़ा कंडक्टिविटी और रजिस्टिविटी अब अगर आ, ये टॉपिक आपके अब वाले सिलेबस में नहीं है लेकिन जहाँ पर भी आप रजिस्टेंस के बारे में पढ़ोगे आगे अलग अलग मटीरियल आएंगे सेमी आएंगे वहाँ कंडक्टिविटी रजिस्टिविटी सब कुछ आएगा ठीक है इस कारण मैंने ये टॉपिक पढ़ाएँ क्योंकि आगे का काम आने वाली टॉपिक है तो आज की वीडियो में बच्चों इतना ही आपको ये वीडियो कैसी लगी कितना समझ आया मुझे ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहता है तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट किया करो मुझे उससे कुछ फ़ायदा नहीं होता उससे कुछ अच्छा करने के लिए मैं मोटिवेट होता हूँ ठीक है तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू हैव ए नाइस डे डियर स्टूडेंट्स